यांग हुआन चाइना नेटवर्थ $11 बिलियन, फेन होंगवेई चाइना नेटवर्थ $11.3 बिलियन, सावित्री जिंदल इंडिया नेटवर्थ $11.3 बिलियन। ब्लूमबर्ग ने अपने बिलियनियर्स इंडेक्स में एशिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें जिंदल ग्रुप की मालकिन सावित्री जिंदल ने चीन की इन दो महिला बिजनेस विमेन को पछाड़कर पहला नंबर हासिल किया है। यानी अब अगर कोई आपसे ये कहे कि महिलाएं क्या ही कर सकती हैं, तो उनको सावित्री जिंदल के बारे में जरूर बताइएगा। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति की मौत के बाद घर की चार दीवारी छोड़ी और इतनी बड़ी कंपनी का भार अपने कंधों पर लिया। एक ऐसी महिला जिसने इतने बड़े बिजनेस अंपायर के बावजूद अपने परिवार का भी उतना ही ध्यान रखा। एक ऐसी महिला जो कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन उन्होंने इतने बड़े जिंदल ग्रुप को उस मकाम पर पहुंचाया कि आज वो एशिया की सबसे अमीर महिला हैं और देश के अमीरों में अंबानी अडानी की कतार में वो 10वें नंबर पर खड़ी हैं। तो चलिए बताते हैं आपको सावित्री जिंदल की पूरी कहानी, और साथ ही बात होगी इस सवाल पर कि आखिर कैसे चीन की एक समस्या ने उन्हें एशिया की सबसे अमीर महिला बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 20 मार्च 1950 को सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में हुआ और 1970 में हरियाणा के बिजनेसमैन ओम प्रकाश जिंदल से उनकी शादी हुई। ओपी जिंदल जिंदल ग्रुप के फाउंडर हैं। शादी के बाद सावित्री जिंदल के 9 बच्चे हुए, जिनमें से उनके 4 बेटे हैं, पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल। 2005 तक सब ठीक था, लेकिन 31 मार्च 2005 में उनके पति ओपी जिंदल की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, जिसके बाद सावित्री जिंदल को जिंदल ग्रुप की चेयरवुमन बना दिया गया और सावित्री जी के कंधों पर जिंदल ग्रुप की सारी कमान आ गई। हालांकि उनके 4 बेटों ने भी इस काम में उनकी मदद की। सावित्री जिंदल के सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज जिंदल 100 कंपनी के चेयरमैन हैं। दूसरे बेटे सज्जन जिंदल के हाथ JWS कंपनी की कमान है। तीसरे बेटे रतन कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, जबकि छोटे बेटे नवीन जिंदल जिंदल स्टील के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ वो सांसद भी रह चुके हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा से कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनकी मौत के बाद सावित्री जिंदल ने उनकी ही सीट से चुनाव लड़ा और फिर 2009 में हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनी। तो ये है सावित्री जिंदल की पूरी कहानी, लेकिन इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि आखिर सावित्री जिंदल चीन की एक समस्या के चलते कैसे एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यांग हुआन के बारे में जानना होगा। यांग हुआन की बात करें तो वो चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक कंट्री गार्डन होल्डिंग कंपनी की मालिक हैं और साल 2005 में उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में अपने पिता का बिजनेस संभाला था। वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनियर भी बन चुकी हैं। पिछले 5 साल से यांग ही एशिया की सबसे अमीर महिला थी, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह थी चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में बेतहाशा ग्रोथ। जनवरी 2022 की ब्लूमबर्ग सूची की बात करें तो उसके मुताबिक यांग हुआन की नेटवर्थ तब $23.7 बिलियन थी, जो उस वक्त सावित्री जिंदल की नेटवर्थ $13.3 बिलियन से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यांग हुआन आज 6 महीने बाद इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई हैं। इसका जवाब भी चीन का वही प्रॉपर्टी सेक्टर है जिसने कभी यांग को एशिया की सबसे अमीर महिला बनाया था। असल में चीन में प्रॉपर्टी सेक्टर काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से चीन की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी कंट्री गार्डन होल्डिंग्स कंपनी भी काफी प्रभावित हुई। चीन में डेवलपर सेक्टर में आई गिरावट की वजह को ही चीन में बैंकों की बुरी हालत का दोषी भी माना जा रहा है, जिसके चलते चीन के बैंक अपने ही लोगों की सेविंग्स भी वापस नहीं कर पा रहे और बैंकों के बाहर चीनी सरकार को टैंक लगाने पड़ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा बैंकों के लोन वापस ना कर पाना बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर में आई गिरावट के चलते ही यांग की कंपनी कंट्री गार्डन ने मार्केट से डिस्काउंट पर इक्विटी रेज करने का ऐलान कर दिया, जिससे मार्केट में इतना पैनिक फैला कि यांग की कंपनी के शेयरों के प्राइस में 2016 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जिसके चलते उनकी नेटवर्थ में $11 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई। यानी उनकी आधी के करीब संपत्ति इसी प्रॉपर्टी सेक्टर में गिरावट के चलते कम हो गई और इस तरह वो अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गई और सावित्री जिंदल
एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सावित्री जिंदल ने अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं देखे। अप्रैल 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान उनकी संपत्ति कम होकर महज 3.2 बिलियन डॉलर रह गई थी, लेकिन अप्रैल 2022 आते आते ये फिर से बढ़कर 15.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई, जिसके पीछे की अहम वजह रशिया यूक्रेन वॉर भी रही, जिसके चलते कमोडिटीज के दाम आसमान छूने लगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उनकी संपत्ति में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनने में कामयाब रही। तो ये है सावित्री जिंदल की कामयाबी का पूरा कारण। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।